नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथम हेडलाइंस। पुलवामा आक्रमण को पुरिला दुई वर्ष जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन द्वारा कराजैथिला आक्रमण 46 जन सीआरपीएफ जवान को हराइथिला भारत वीर जवान को मन पकाउछि देश। आज तमिलनाडु और केरल दिनिकिया गस्तर प्रधानमंत्री चेन्नई में मेट्रो लाइन और केरल में रसायन प्रकल्प को देशवासी करेंगे उत्सर्ग। कार्यक्रम में रहिबे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। श्रीमंदिर महाप्रभु दुर्लभ पद्मवेश पद्मफूल सज्जित श्रीजीव अवकाश नीति जाए भक्त पाइबे दर्शन सुजोग 26 वर्ष पर चर्म चक्षुरे करुछन्ति दर्शन। कालिया योजना को नहीं कन्फ्यूज चाषी राज्य सरकार अस्पष्ट आभिमुख्य बढ़ाला द्वंद्व प्रथमे 5000 तृतीय 2000 टंका को कसिला केन्द्र मागिबारु 53 लक्ष अन्नदाता तालिका दे पारुनि ओडिशा। महांगा मर्डर मामलें प्रताप बढ़ुची अड़ुआ मंत्री को बांधिबा और बहिष्कार दाबी उठाला छात्र कांग्रेस राजधानी में मंत्री बासभवन घेराउ उद्यम बेले उत्तेजना। चोर गला पशिला चेता गजपतिर गोटे गाँव तीनोटी ना दुईट राज्य 11 तारीख में गुड़ीकुड़ा गाँव रास्ता पानी कथा मन पकाले राज्य सरकार देखिबा अर्गस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फाइन काटुचंती किंतु आदाय करी परुनाहंती अमानिया को मुह दे राज्य सरकार 2018 जाए व्हीकल चेकिंग रिपोर्ट रद्द करने को राज्य परिवहन कमिश्नर को निर्देश। आज प्रेम पाई दिनटे साथी को आपणार करने समस्ते व्यस्त बजार उपहार आ गोलाप फुलर पसरा किंतु कोरोना पाई फीका पड़ी बेपार। देखा संपूर्ण खबर। पुलवामा आक्रमण को पुरिला दुई वर्ष 2019 मसीह फेब्रुआरी 14 रे होइथिला ई आत्मघाती आक्रमण। ए आक्रमण रे किछि भारतीय सैन्य बाहिनी को नै जम्मू श्रीनगर जातीय राजपथ रे जाउथवा एक प्रतिरक्षा बाहिनी गाड़ी को जड़े आत्मघाती विस्फोरणकारी द्वारा जम्मू काश्मीर पुलवामा जिला अवंतीपुरा ठारे आक्रमण करा जाइथिला। एथिरे 46 जन सीआरपीएफ जवान शहीद होइथिले। परे ए आक्रमण को पाकिस्तान ने थिबा एक इस्लाम संगठन जैसे मोहम्मद घटाइथिबा दाबी करथिला। यह आतंकवाद आक्रमण में शहीद होता 46 जन सैन्य भितर दुई जन थे ओडिया से जगत सिंहपुर जिलार नाउगाँ ब्लक अंतर्गत शिखर पंचायतर पारिशिखर ग्रामर प्रसन्न कुमार साहू और कटक जिला नियाली ब्लक अंतर्गत रतनपुर गाँव मनोज कुमार बेहरा। 1998 पर भारतीय सेना बाहन यह सबुठ बड़ आतंकवादी आक्रमण था। गतकाली श्रीमंदिर में महाप्रभु दुर्लभ पद्मवेश अनुष्ठित होइछे। मुंडठारु पाद पर्यंत पद्मफूल विभूषित होइछन्ति चतुर्धा मूर्ति। परंपरा अनुजाई माघमासी शुक्लपक्ष प्रतिपदा ठारु श्रीपंचमी मध्यरे जेउदिन बुधवार किंवा शनिवार पड़िथे सेहिदिन महाप्रभु बेश अनुष्ठित होवार परंपरा थाए। गतकाली बड़सिंहार नीति में महाप्रभु पद्मवेश सज्जित हो पहुड़ होइछन्ति। तेबे आज मध्य भक्त माने महाप्रभु दुर्लभ बेश अवकाश नीति पर्यंत दर्शन करिवे। दीर्घ 26 वर्ष पर दुर्लभ नागार्जुन बेश दर्शन वंचित दर्शनार्थी महाप्रभु दुर्लभ पद्मवेश को निज चर्म चक्षुर देखिबार सुजोग पाइछन्ते। गतकाली बड़छता मठ तरफ खीरी अमालु भोग कराजै श्रीजीवंकर रात्र पहुड़ होइछे। तेबे दुर्लभ बेश दर्शन पई भक्तों महल में बेस उत्साह परिलक्षित होइछे। अधिक सुना सीधासल नहीं चलु पूरी अच्छा प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक पद्मवेश महाप्रभु पद्मवेश दर्शन पर श्रीमंदिर प्रशासन तरफ कौन सब व्यवस्था कर कौन स्वतंत्र रीतनीति होपटे श्रद्धालु मध्य उत्साह आप देखा पाँच निश्चित अपूर्व रंजन आपड़ जानते गत काली महाप्रभु दिव्य अनन्य पद्मवेश अनुष्ठित होता है। जिते बड़े महाप्रभु बड़सिंहार नीति आरंभ होता बड़सिंहार बेश महाप्रभु यही पद्मवेश विभूषित होते पाद मस्तक पर्यंत महाप्रभु पद्मवेश विभूषित होते हैं। आज जेहेतु अवकाश नीति सरी जाइए जहाँ विधि परंपरा रही जहाँ श्रीमंदिर नीतिकांति रही अवकाश नीति में महाप्रभु पद्मवेश ओलागी तो पद्मवेश संपूर्ण भाव ओलागी कि पद्मवेश हजार हजार भक्त श्रद्धा देखी निजे चर्मचक्षुरी कारण दुर्लभ नागार्जुन बेश
जहाँकि 26 वर्ष पर पड़ू ताक देखिए वंचित होते कितु महाप्रभु को दुर्लभ पद्मवेश देखी आम जन भक्त प्रतिक्रिया आम सहित से जन भक्त जोड़ मौसमी महाप्रभु को पद्मवेश आज आप देखिले चर्मचक्षुर देखिले नागार्जुन वेश कि देखी पार ना पद्मवेश देखी के खुशी आउ कालिया शांति केमी देखा जाय जगन्नाथ आउ ये जो नागार्जुन वेश ये थी पूरी लोक देखी पार ना बहुत मुंड बाड़ी कांदी जाइली आज ये दुर्लभ पद्मवेश देखिली आउ मु ठिया होगली जमी कडन भितर फास्ट धाड़ी जा मत से धाड़ी फाड़ी बाधिलानी ओ कि आखिर मोर धार धार लुह बहीगला आउ से सोलर सजा होते फूल पद्म फूल मिलेनि इत्ते सुंदर महाप्रभु देखा महाप्रभु हसुच्च मुझे विश्व को भल बेला पड़ा पुणी थे देखिकी पुआ आउ थे दौड़गली आउ थे गला बलभद्र सुभद्रा कढ़ाई जगन्नाथ अच्छी देखिली आउ तापर खीरी आउ अमालू हूँ महाप्रभु पद्म खीरी अमालू सी तो भारी सुंदर लगे खाइले जी जानी खाई जानी से भी धरिकी आसली आउ बहुत मन आज खुशी मोर देखी निश्चित अपरजन आम आलोचना करवा सहित डॉक्टर शरत महांत अच्छे आज्ञा बड़ छतरा मठ तरफ खीरी और अमालू जोगे दी जाए महाप्रभु से अन्य पद्मवेश तो ओल्लाग विशेषकर पद्मवेश कौन रही है विशेषत्व और अमालू खीरी जो भोग कराए यार कौन रही विशेषत्व अम्बालू खीरी भोग करात्पर्य है मनोहर दास जिते बड़े आसी जगन्नाथ महाप्रभु भक्त से पद्म तोलिकी पुष्करिणी आनी पहुँचला बेलू श्रीक्षेत्र से पद्मफुल मौली जाता पंडा मैंने ग्रहण करते कि महाप्रभु श्रीअंग लगी हो नाला से विषर्ण बदन में यही बड़छता मठ बारेडे विश्राम नहीं क्षुधा आ पिपास से बेले भक्तवत्सल जगन्नाथ महाप्रभु अंतर्गत जाते गजपति निर्देश देते मो भक्त को पद्मकेशरी चाउल में खीरी प्रस्तुत करके अम्बालू प्रस्तुत कर खावा दि जाऊँ सी आनी पद्म फल गुड़िक मो श्रीअंग मंडनी करग को जुग यही नीति को बहन करने महाप्रभुंर बड़छता मठ से खीरी भोगपाइका जो चाउल दरकार दुग्ध दरकार कोठ भोग लगे खाली से नुह सिंगारी निजोग सेवायत मानक निजोग सुआर महासुआर सुपकार मान महाप्रभु को 30 रु 40 हाँ बड़ बड़ बाई हाँ खीरी प्रस्तुत कर महाप्रभु को बड़ सिंगार रे भोग दि जाऊँगी आ महाप्रभु होंगे भोजन प्रिय ठाकुर सी जिते बेसरे बसी था अपूर्व बेसरे जी आनंदित होता खीरी अम्बालू महाप्रभु आस्वादन करते भक्त मैंने भ्रमर पालटिकी महाप्रभुकर पद्म पाखुड़ा जो मुख मंडन करें भ्रमर जमी रस आस्वादन कै पद्म फुलर सेमती महाप्रभुकर दर्शन को आस्वादन करते आ सका बेला भक्त मैंने जो बड़ सिंगार रात्रि विलंबित प्रहर में जेहेतु महाप्रभु को भोग लगी आनंद बजार रे उपलब्ध होउची सकाळ समस्ते निज हाथ रे जे जेतेकी सख्य जहार समस्ते बोहिकरी निज घर को नेकरी जाउचंती निश्चित अपूर्व जहाँ शुणुते डॉक्टर शरत महांत प्रतिक्रिया निहाती भाव में ये अनन्य बेश को देखा तो संपूर्ण रूपे श्रीक्षेत्र चलचंचल भी पड़ा और अपूर्व आम का राति में जाइलूँ का रात महाप्रभु जो अनन्य बेश जो दुर्लभ बेश निश्चित भाव में आम देखिकी अति कृतार्थ होती कारण पवित्र नागार्जुन बेश में आम मैंने हूँ कि हजार हजार भक्त श्रद्धा वंचित होते कि दुर्लभ पद्मवेश महाप्रभु को देखिकी समस्त भक्त श्रद्धा कृतार्थ होते जो व्यापक व्यवस्था कथ आप पचारे श्रीमंदिर प्रशासन द्वारा उत्तम व्यवस्था कर समस्त भक्त श्रद्धा मैंने श्रृंखलित भाव में महाप्रभु को दर्शन करते जेहेतु बड़ सिंगार नीति में महाप्रभु पद्मवेश विभूषित होते जो भक्त श्रद्धा मैंने ये दर्शन वंचित थे से आज सका 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 छःटू महाप्रभु को दुर्लभ पद्मवेश दर्शन करार सुजोग पाई और जेहेतु अवकाश नीति सरी जाइए महाप्रभु को दुर्लभ पद्मवेश ओल्लाग तो निश्चित भाव में कहींपर समस्त यही दुर्लभ पद्मवेश को देखी कृतार्थ होती अनेपटे श्रीमंदिर प्रशासन द्वारा करवस्था को समस्त स्वागत करपूर्व बहुत बहुत धन्यवाद पुरी रु सीधा सल प्रतिनिधि आशुतोष जहाँ सूचना देते जे महाप्रभु पद्मवेश गत काली अनुष्ठित होई आज चर्मचक्षुरे श्रद्धा मैंने दर्शन करुं विशेषकर 26 वर्ष पर महाप्रभु को दुर्लभ बेश देखा मिलता बेले भक्त मध्य बेस आनंद सहकार महाप्रभु पद्मवेश को दर्शन करुँ बड़ खबर आसी पहुंचुची पुरी जिला ब्रह्मगिरी विलंबित रात अग्निकाण्ड घटी जो थे 10 बखरा घर जली जाता बेले 6 पर 10 बखरा घर पोड़ी पाउस हो जाए तमाम आसबावपत्र नष्ट अनेक क्षयक्षति होता सूचना आसी पहुंचुची आम प्रतिनिधि अच्छा कालुचरण सीधासलख नहीं चलु केते घटी अग्निकाण्ड अग्निकाण्डर कारण कौन एवं एपर्यंत किसी आकलन करते टार क्षयक्षति होता पाए
निश्चित भाव नगर कहुई पार भयावह अग्निकाण्ड गत काली राति विलंबित राति पाखापाखि बारटार गोटे समय हे जो रही ब्रह्मगिरी राबिधार पंचायत अर्थात कहुपर आम जो रही अपिटी गाँ अपिटी गाँव पाखापाखि छः जनक व्यक्ति दस बखरा रु ऊर्ध घर पड़ा पड़ी संपूर्ण भाव में आसवापत्र पड़ी पाऊँस हो जाए सीधा सख चित्र देखा प्रतिक्रिया ना कुछ दस बखरा घर जो चाल घर थी संपूर्ण भाव में पड़ी पाऊँस हो जाए कि अग्निकाण्डर कारण बर्तमान सुधा अस्पष्ट रही बेले सेपटे कि घटना संपर्क में खबर पाई ब्रह्मगिरी अग्निशम विभाग पहुंचाला गाँव में और निआं को आयत्त करता पखापाखि राति बारटू पखापाखि राति तीनटा तीन टा पर्यंत नि लग रही जहाँ ग्रामवासी सूचना देखते पर पक्ष सूचना मिलूँ आम सीधा सख आलोचना करवा देखिपे जो भी भाव में समस्त गोटे प्रकार समस्त मर्माहत अच्छा समस्ते पूरा कांद बोबाई में घर फाटी पड़ी एथपाई कारण घर आसवापत्र जहाँ भी थी कारण ए चित्र देखिपर थे समस्त आखिरे लुह रही कारण जो आसवापत्र सबूला संपूर्ण भाव में पड़ी पाऊँस हो जाए चित्र ही बयान करते मानने भयानक ये अग्निकाण्ड किभली भाव में अग्निकाण्ड घटी बर्तमान सुधा स्पष्ट हो ना बेले अग्निकाण्ड को लेकिन समस्ते आशंकर अच्छा जानवाक चाहिए आज्ञा आपण केत बखरा घर क्यों क्यों मानक घर पड़ी दस बखरा घर पड़ी से पवित्र विचित्र लक्ष्मीधर मेरुआ मेरुआ बासुआ जानवाकर घर पोड़ा कौन कौन सब क्षतिग्रस्त कसा बासन हंडा डेक्ची सुना रूपा टा पैसा गाड़ी गुड़ा जहा सब पिला बही बस्तानी बैग बर्तन बटा कोबला सब मैं पिला डॉक्यूमेंट सब केवल छत्तीस हजार टाइम गाली गाड़ी जबरी जबरी सुना जो सुना रूपा भी रही चित्र भी देखिपार संपूर्ण पोड़ी किभली भाव में पाऊँस हो जाए अपर पक्ष वर्तमान सुधा भी प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुंची ना अभियोग आज्ञा जानवाक चाहिए बर्तमान सुधा प्रशासनिक अधिकारी कारण रात बारटू गोटे समय बर्तमान सुधा प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुंची तदंत प्रक्रिया कल कहीं पहुंची ना एपर्तंत तदंत प्रक्रिया किसी कौन किसी से ये ना सेपर्तंत कौन देखा नहीं आम फोन फान बहुत किसी ये कला कौन स्विच अफ करदे आसूना कहीं घर दुआर सब तो जाती घर दुआर लुगा पटा कसा बासन सब जाती सब मोर घंटा हाँ सब आसवापत्र सब लुगापटा जहाँ पिंधि केवल से पाखे अच्छी आउ कौन भी मानने सामग्री ना जहाँ भी देखिपे छोट छोट छुआ मैंने भी सुधा रात बारटू एपर्त खाया पिया भी किसी ना बर्तमान सुधा समस्त भोक उपवास रही है प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुंची ना क्योंकि ना क्यों गोटे दुर्भाग्यजनक कथा अपूर्वंजन कहुई पार और स्पष्ट भाव में चित्र देखा चाहिए संपूर्ण घर चित्र देखा जावा कि भाव में अग्निकाण्ड घटापर संपूर्ण दस रु ऊर्ध घर संपूर्ण पोड़ी पाऊँस हो जाए स्पष्ट भाव चित्र देखा संभव होती कहीं एत भयानक पड़ेगीत करवा संभवपर होना कितु क्यों क्यों समस्त मानने आखिर लुह ही बयान करते भयानक और क्षतिग्रस्त होलोचना करवाकूबा सीधा सख आम सहित मानने अग्नि विपन्न मान अच्छा जानवाक चाहिए माँ आपंक सब कौन कौन पड़ी कौन कौन जिनस पड़ी गाड़ी पड़ी छत्तीस हजार टाँचा दईली पांच भरी सुना रूपा जहाँ दईली मत कई देवे नहीं मो कागज पत्र फट टी गैस सब मोर कि ना देखा चेष्टा करवा कि भाव में क्षय क्षति होते भयानक थिला ये अग्निकाण्ड सीधा सख चित्र देखिपे एवं कुहुवर चित्र सामना को आसूची आम चेष्टा करवा कि भाव में संपूर्ण चित्र देखापी कहीं जो भी भाव में अग्निकाण्ड घटापर प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुंची ना गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि विलंबित राति पाखापाखि राति गोटाए समय बीती बर्तमान सुधा भी कौन से अधिकारी पहुंची ना चित्र देखिपुर संपूर्ण सुना रूपा सब जमी पोड़ पाऊँस हो जाए किसी भी आदाय करने संभव पड़ नुए कई आसवापत्र कागजपत गुरुत्वपूर्ण कागजपत संपूर्ण पोड़ पाऊँस होता बेले बर्तमान सुधा प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुंचना अपर चित्र जहाँ भी चाउल रही जो खाइबा सामग्री रही संपूर्ण पोड़ी आपड़ भाव के भयानक हिंसा ये चित्र हम तो सीधासलख ब्रह्मगिरी अपटी गाँव चित्र देखा प्रतिनिधि कालूचरण जे के भाव निया सर्वस्व पोड़ी
अनेक लोक वर्तमान बेसहारा होता बेले गत काली राति घटी घटना किंतु बड़ कथा दुखदपूर्ण कथा एपर्यंत ना तो प्रशासनिक अधिकारी माने एने कोनसी आकलन करिसेंती ना तो ग्राउंड जीरो रे पहुंचिसेंती जहाँ को नहीं लोकों मध्य असंतोष बढ़ुता बेले सेपटे दस बखरा घर पड़ जाइए और छटी परिवार एबे भोक उपास जीवन काटुचंती किंतु प्रशासनिक अधिकारी एपर्यंत ग्राउंड रे पहुंची ना प्रति खबर आसुची भद्रक भद्रक जिला चांदबाली एनएससी अंतर्गत गजगिरी में भयावह अग्निकाण्ड अग्निकाण्ड में जलीगला दुई बखरा घर सह एक दुकान घर बालिका गजगिरी गाँव राधामोहन साहू दुई बखरा घर निआ लगता सूचना मिली सूचनापी चांदबाली दमकल बाहन पहुंची निआं को आयत्त करते कि निआ लिभाइवा बेलू घर समस्त आसबावपत्र और धन संपत्ति पोड़ पाउंस हो जाए अग्निकाण्डर सठिक कारण जमापड़ना पोखरी खोलिबा कुने उत्तेजना ग्रामवासी आक्रमण में बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक अधीन केसीपुर पंचायतर बुधुनी मारांडी आहत बुधुनी मारांडी गोचर जमीन में घर कर रोकता नहीं पूर्व अभियोग होता यहाँ गत काली किसी ग्रामवासी घर बाड़ उपाड़ी फोपाड़ी देवास जबरदखल हटावा दावी करते एपरिक ग्रामवासी माड़ मार्थवर अभियोग जहाँ बुधुनी आहत हो ब्रह्मपुर हस्पिटाल भर्ती होगा घटना को नहीं ब्रह्मपुर थाना अभियोग कर यहाँ 25 वर्ष होगा आम पोखरी तड़ी बोली तापर भी पोखरी तड़ा ही तड़ा हेलापर भी सी प्रतिवाद करें सब धान करे कहला हूँ कर ठाकुर मारांडी तमें आमको पोखरी कर दौना घर सारे गच फच सारे गच हाणी ना घर पोड़ी ना घर नाला आग आम जिते ई कले पोखरी चाहिए सी हाजराम बाजी सरपंच आकुर आए वार्ड हे पट्टे देला ना जिते बड़े तहसिल आसिक अदाल का हाँ ताड़ी हाई सत्यनगर लेडीज फोरम पक्षर ट्राफिक सचेतनता कार्यक्रम पालन कराने ट्राफिक नियम मान गाड़ी चला फोरम पक्षर किन्नर मानक नहीं एक सतोषजनक स्टिकर प्रदान कर भुवनेश्वर सत्यनगर ठार कमिशन पुलिस वरिष्ठ पदाधिकारी सहित फोरम उत्साही सदस्य मैंने जोगदे ट्राफिक समस्या एवं जनजीवन को व्याहत करुचे तेणु ट्राफिक नियम मान गाड़ी चलवाक बार्ता दि जाइए कार्यक्रम रही मेन है से माने आज ट्राफिक सचेतनता करेंगे और तांको कथा अनुसार समस्ते मानवे कथा भी आज रूल रेगुलेशन जो अच्छी सचेतनता उपरे से समस्ते मानवे मु भावुची आमर भी आमर जो सत्यनगर जो लेडीज फोरम तरफ जो मैंने 2000 ओबीसी जो ट्राफिक रूल्स मानुचंती से आमर किन्नर भौणी मान तरफ से गोटे स्टिकर समस्त को प्रदान करेंगे बहुत खुशी लगुच जहा हूँ भौणी मैंने आज सामिल होती तेणु मु भावुँ सब क्षेत्र में सामिल हूँ आम सहित रुहतु आगक भी रे इनफिनाइट स्टार्टअप सांबादिक सम्मेलन सेभेन्थ बाटालियन रे इनफिनाइट स्टार्टअप द्वारा हजार दिन में हजार स्टार्टअप आसंता काली आरंभ हेबो एहार मुख्य उद्देश्य रही जो माने स्टार्टअप कंपनी आरंभ करुछंती सेमानकु शिल्प प्रजुक्ति विद्यारे परिवर्तन आनिबा सह निजुक्ति अभिवृद्धि और सेवा वृद्धि करिबा कारण ओडिसा रे भारत रे छोट व्यवसाय आम अर्थनीति रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथि एम्प्लॉयमेंट इश्यू रोचे जो स्टार्टअप मैंने बिजनेस करुँचंती या जो एंटरप्रेन्योर्स मैंने से मैंने बिजनेस करिया पे चाहुँचंती या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हो गले कि एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हो गले से मैंने बिजनेस करुँचंती पर सी लेवल से मैंने बिजनेस करुँ तो आम ये जो मोटर अच्छे आम जो कैंपेन आम जो लॉन्च करुचु आम ये 1000 डेज रे आम 1000 स्टार्टअप मानक आम इनक्यूबेट करने आम ये प्लान रही एवं जाके आम पाखापाखी अच्छे 25-30 स्टार्टअप्स अच्छा जो मैंने आम इनक्यूबेट करुँ आम इनफ्रास्ट्रक्चर आम प्रोवाइड करूँ आम अकाउंट्स लीगल्स हो गला केमी से कस्टमर आने केमी से बिजनेस करेंगे केमी आम हैंडल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करें बिजनेस को जहाँ भी प्रोडक्ट बेस हो जाऊ कि सर्विस बेस हो जाऊ केमी आम एक्सपोर्ट करपांड कर स्केल कर बेसिकली आम कम करुचु महंगा डबल मर्डर घटना घटन 13 नंबर अभियुक्त राज्य सरकार आईन और पंचायतराज मंत्री प्रताप जेना खाली से नुहे डबल मर्डर घटनार अन्यतम अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाल संदेहजनक मृत्यु घटन सन्देह घर में महांगा विधायक तथा मंत्री प्रताप जेना ए घटना को नहीं प्रश्न पचारे चिहिंकी उठुछंती मंत्री प्रताप जेना देखते रिपोर्ट
मुदला नंबर 13 का धमकी महंगा डबल मर्डर रा अभियुक्त प्रताप जेना प्रश्न पचारिबा आगरु आईन मंत्री देखाउछंती नाली आखि अर्गस प्रतिनिधि को कहिले बदमाशी नाही बदमाशी नाही शनिवार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास अनुगुल पाल लहड़ा जाइथिले आईन मंत्री प्रताप जेना मंत्री प्रताप जेना हेउछंती महंगा डबल मर्डर घटनार अन्यतम अभियुक्त तंको नारे दफा 302 रे एफआईआर भी होईछि खाली सेतिके नुहे डबल मर्डर घटनार अन्यतम अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाळंक संदेहजनक मृत्यु घटनारे मध्य संदेह घररे महंगा विधायक तथा मंत्री प्रताप जेना ए घटनाकु नै प्रश्न पचारिले चिहिकी उठुछंती मंत्री प्रताप जेना दुई दिन तले सुंदरगढ़ और कुचिंडारे एमती रागी जाइथिले आ शनिवार प्रश्न पचारिबा आगरु ही रियाक्ट करुछंती मंत्री प्रताप जेना तेबे बड़ा प्रश्न राज्यवासी प्रश्न को मंत्री को पचारिबा कण बदमाशी हत्या घटनारे अभियुक्त मंत्री को प्रश्न पचारिबा कण बदमाशी मंत्री को स्पष्टीकरण मागिबा कण बदमाशी दायित्ववान गणमाध्यम भूमिका निभाउछि अर्गस अर्गस कण प्रश्न पचारिबो राज्यवासी जानिछंति काहेकि मंत्री प्रताप जेना उत्तर देउनाहंति ताहा भी जानिछंति राज्यवासी महंगा डबल मर्डर और प्रफुल्ल विश्वाळ मृत्यु घटनारे प्रताप जेना को घेरिछंति विरोधी 302 भली संगीन दफा लागिथिले भी प्रताप जेना आसुनाहंति तदंत परिसर को प्रश्न पचारिले कुहाळिया मंत्री किंतु चुप केतेबेले मुह बुलाइकि पळाउछंति त आउ केतेबेले नाली आखि देखाउछंति काहेकि एमिति हेउछंति प्रताप जेना काहेकि अर्गस प्रश्न रे एते राग मंत्रींकर निजर खास अनुगत प्रफुल्ल विश्वाळंक मृत्यु परे भी मुह खोलुनाहंति काहेकि महंगा पुलिस प्रताप को केबे करिब जेरा ब्यूरो इनपुट सह पाल लहड़ारु हरिश्चंद्र दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। चोर गलापरे बुद्धि दिशिबा परे ओडिशा माटीरे आंध्र निर्वाचन करिबा परे राज्य सरकार का निद भांगिछे जे गाँव आंध्र निर्वाचन करुछि गजपति सीमार से ही गुड़िकुड़ी गाँव में रास्ता और पानीय जल प्रकल्प करने कथा एबे सरकार मन पड़े 11 तारीख में यह गाँव में 47 लाख टंका खर्च में रास्ता और पीवा पानी देवा को सरकार नहीं निष्पत्ति बड़ कथा होउछि जो गुड़िकुड़ी गाँव में आंध्र निर्वाचन करुछि से ही गाँव ओडिशार गजपति जिलार रायगढ़ ब्लक गोटे ना और गंजाम पात्रपुर ब्लक आउ एक नाँ रही है देखु अर्गस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गाँ गोटे किंतु ना तीनोटी विश्वास नहले भी कथाटी सत ओडिशार गाँ गुड़िकुड़ी एवं आंध्रर कब्जा प्रथमे एही मैप उपरे नजर पकांतु आंध्र ओडिशा सीमार एही गुड़िकुड़ी गाँ मैप्रे अच्छी पूरा आंध्र प्रदेश रे आउ ए हेउची गाँर बास्तव चित्र एठी आंध्र सरकार एवं पंचायत निर्वाचन करुछंती आउ एबे देखंतु आम राज्य सरकार केमिति 11 तारीख रे गुड़िकुड़ी कथा मन पड़ी गंगापाड पंचायत गुड़िकुड़ी में पानी जल प्रकल्प 7 लक्ष और रास्ता कम 40 लक्ष टा मंजूर कर गजपति प्रशासन आउ से ही एका दिन अर्थात 11 तारीख में अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग गजपति जिलापाल को चिठी लिखि कहते गंगापाड में 120 सीटर एक एसटी हॉस्टल तैयारी हेबो ए दस्तावेज हस्तगत होगा पर ग्राउंड जीरो स्थित परखिता अर्गस लोके आंध्र ठारु एमाने अधिक सुविधा और सुजोग पाउछंती गवर्नमेंट बोलती आंध्र पकड़ पकड़ आंध्र कहीं पकड़ मन कहते गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट द्वारा बोली सब सारे ना से गवर्नमेंट द्वारा कमल देना गजपति गंजाम सीमार एक गुड़िकुड़ी गाँव रु एक ना हो गुड़ीखड़ा गंजाम जिला मैप्रे ना यह परिचित थे भी ना गंजाम ना गजपति प्रशासन ए अंचल विकास ध्यान दे आंध्र किंतु यही गाँ को निज कब्जा को नेवा परे बुढ़ावासी ना दे
ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଶନିବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳାର ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? ଏଥିରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ କରିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାରରେ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିକି ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତାଉଛନ୍ତି? ମୋ ପରିବାରର କ'ଣ ସେମାନେ ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 2 ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟ କାହିଁକି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛନ୍ତି? ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ତାକୁ କାହିଁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କିଛି ଗାଁରେ, ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଲୁଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର 96 ଗାଁକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ 4 ରାଜ୍ୟ ସହ ବିବାଦ ରହିଛି। ତେବେ କୋଟିଆ ପରେ ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିର ଏହି ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳାକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଛି। ଗଜପତି ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍, କେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।